दोस्तों व्हाट्सएप में किसी भी हिंदी टॉपिक जो भी आप टाइप करते हैं, हिंदी में जो भी आप टाइप करते हैं व्हाट्सएप में, उसको आप ट्रांसलेट किस तरह से कर पाएंगे। एक नया अपडेट निकल के आया है व्हाट्सएप में, ये नया फीचर है दोस्तों, शायद किसी ने नहीं बताया होगा ये फीचर के बारे में। तो आज मैं इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ दोस्तों। इस वीडियो को आप पूरी लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीका से इसमें आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और साथ ही इसमें ये भी बताऊंगा कि बोल्ड कैसे आप लिख सकते हैं स्टाइलिश फॉन्ट में, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप पूरी लास्ट से देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक केस मीडिया में वेलकम करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन भी प्रेस कर लीजिए। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप व्हाट्सएप ऐप को ओपन करेंगे, व्हाट्सएप ओपन करने के बाद किसी एक चैटिंग बॉक्स जाएंगे आप, जिससे आप चैट करते किसी एक चैटिंग में जाएंगे, ठीक है। किसी से आपको चैट करना पड़ेगा दोस्तों, वहां पर आपको जाकर टाइप करना है, जैसे कि कुछ भी आपने जैसे कि लिखा यहां पर, जैसे कि मैं ऑलरेडी लिख रखा हूं, ठीक है। यहां मैं पेस्ट करता हूं, जैसे हिंदी में लिखा मैं इस तरह का, ठीक है। आप दोस्तों इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, अभी एक नया फीचर इसमें दिखा रहा हूँ। इसमें यही दोस्तों, आप यहाँ पर जो भी टाइप करेंगे, जैसे कि हिंदी में लिखे हैं तो हिंदी में कैसे टाइप करेंगे, ट्रांसलेट कैसे करेंगे हिंदी में, तो अब मैं यहाँ दिखाता हूँ। जैसे कि आपने हिंदी यहाँ लिखा, ठीक है, आप इसे क्या करना, सिंपली दोस्तों आपको यहाँ ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पर आपको उसको सिंपली प्रेस करके रखना होगा, दबा कर रखना होगा, ठीक है। पूरा सिलेक्ट कर लीजिएगा, सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आप, तो यहाँ पर देख रहे दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ ट्रांसलेट कट एंड कॉपी, यहाँ पर आप ट्रांसलेट पर क्लिक करना होगा दोस्तों। पहले ये वाला ऑप्शन नहीं आता था यहाँ पर, यहाँ पर सिर्फ आपके सामने में कट कॉपी एंड सिलेक्ट ऑल ऐप्स ऑप्शन आता था, यहाँ पर अभी ट्रांसलेट का भी ऑप्शन आना यहाँ पर शुरू हो चुका है, ठीक है। तो ये अपडेट है दोस्तों, यहाँ पर ट्रांसलेट पर आप सिंपल क्लिक करेंगे, यहाँ पर जैसे ट्रांसलेट क्लिक करेंगे दोस्तों, ये आपको ब्राउज़र में ले जाएगा जहाँ से गूगल ट्रांसलेट होता है, ठीक है। तो जैसे ट्रांसलेट किया दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे कि लिखा हुआ, जैसे मैंने लिखा था हिंदी में क्या हुआ, उसका इंग्लिश में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि व्हाट हैपेंड, देख पा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ये ट्रांसलेट हो चुका है। चलिए मैं दूसरा कुछ और ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ, यहाँ से मैं बैक कर लिया। आप दोस्तों आपने उस तरह से हिंदी में लिखा था वहाँ ट्रांसलेट कर सकते हैं। अभी जैसे कि हिंदी भी लिखते हैं हम लोग, तो इंग्लिश टाइपिंग करके हिंदी लिखते हैं, तो इस तरीका से भी आप जैसे यहाँ पर लिखेंगे वही सेम चीज़ मैं यहाँ लिखा हूँ। यहाँ पर लिखने के बाद भी आप यहाँ ट्रांसलेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से आपको गूगल में वापस लेके चला जाएगा ट्रांसलेट में, यहाँ पर लिखा हुआ क्या हुआ का फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए क्या हुआ, इसका इंग्लिश में लिखा हुआ व्हाट हैपन फ्रॉम, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है। तो आप इस तरह से दोस्तों ट्रांसलेट कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों आप एक इसमें बोल्ड कैसे कर सकते हैं, इसमें इटैलिक कैसे कर सकते हैं, लिखने का स्टाइल जो है थोड़ा आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे होता है, बोल्ड कैसे करेंगे और इटैलिक कैसे करेंगे आपको मैं बताता हूँ। इसमें जैसे कि मैं लिखा था यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, मैं वही वापस लिख दिया। यहाँ पर लिखने के बाद दोस्तों आप क्या करना है, इसको आप यहाँ सिंपली प्रेस करके रखेंगे। यहाँ प्रेस करने के बाद दोस्तों यहाँ से चाहे तो आप यहाँ से कट कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी करके रखे तो यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे तो पेस्ट भी कर पाएंगे। फिर आपको दोस्तों क्या करना है, ये जो डबल डॉट यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पर आप दो ऑप्शन दिख रहा है आपके सामने में, एक बोल्ड एक इटालिक, ठीक है। मैंने यहाँ दोस्तों हिंदी में टाइप किया है क्या हुआ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। और इसको मैं यहाँ पर बोल्ड करूँगा इटालिक करूँगा, दोनों ऑप्शन करके दिखाऊँगा। यहाँ बोल्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ देख रहे दोस्तों इस तरह से लिखा हुआ यहाँ पर आपके सामने में आ जा रहा है दोस्तों। पहले बोल्ड होने का स्टाइल भी अलग था, पहले बोल्ड हम लोग लिखते थे, यहाँ ये वाला ऑप्शन पहले नहीं आता शो करता था। तो बोल्ड लिखने के लिए पहले हम लोग क्या करना पड़ता था, यहाँ पर बगल में दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि दो स्टार यहाँ लगा हुआ है, देख रहे हैं। जैसे कि मैंने स्टार यहाँ देखिए काटा, यहाँ पर स्टार दिख रहा ना दोस्तों, ये स्टार लगा हुआ है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको मैनुअली स्टार लगा के यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ बोल्ड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं मान लीजिए इसको बोल्ड कर दिया, अब इसको मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ से वापस जाता हूँ, यहाँ से इटैलिक में क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इस तरह से इटैलिक हो चुका है। इटैलिक करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होता है, अंडरस्कोर जहाँ दिया हुआ दो साइड में, अंडरस्कोर मैनुअली आप लिखेंगे तो देखिए स्टाइलिस आपका चेंज हो गया है फॉन्ट, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पर से। और दोस्तों क्या करना है, आप इसको क्या करेंगे, इटैलिक करके आप इसको बोल्ड करना है, तो आप इसको स्टार जो था वो स्टार को आपको यहाँ पर पहले में जाकर लगा देना है। देखिए अब क्या होगा, बोल्ड होकर इटैलिक हो गया, बोल्ड इटैलिक दोनों आ गया दोस्तों इसमें, ठीक है, आप यहाँ से देख पा रहे हैं। तो दोस्तों ये हिंदी लैंग्वेज हो गया। अभी मैं इंग्लिश में दिखाता हूँ कि इंग्लिश में और भी आप क्या कर सकते हैं।
तो दोस्तों मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हूँ व्हाट, ठीक है। आप मैं इंग्लिश में दिखाता हूँ कि यहाँ ट्रांसलेट होता है या फिर नहीं होता है। इसको आप क्लिक यहाँ पर प्रेस करके रखेंगे दोस्तों, आपके सामने ट्रांसलेट वाला ऑप्शन यहाँ पर वो इंग्लिश में शो नहीं करता है। हिंदी जब लिखेंगे आप, हिंदी यहाँ पर हिंदी लिखेंगे या फिर इंग्लिश वर्ड लिख के भी आप हिंदी में जो लिखते हैं उस तरीके से लिखेंगे तो ही जाकर यहाँ ट्रांसलेट वाला ऑप्शन आएगा। इस तरीका से हिंदी ट्रांसलेट या इस तरीका से इंग्लिश ट्रांसलेट यहाँ पर नहीं होगा, बट आप गूगल वहाँ पर जाके आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या, जैसे आप यहाँ पर मैंने सिलेक्ट करके रखा, सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ से बोल्ड का मैंने ऑप्शन बता ही चुका हूँ इस सब चीज़ का। आप यहाँ पर डबल डॉट में जाएंगे, यहाँ जाने के बाद तो आपके पास दो ऑप्शन यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ दो तीन ऑप्शन यहाँ दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पर क्या है कि ये जो स्ट्राइक लाइन दिख रहे हैं आपको, ये स्ट्राइक लाइन यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो लिखावट जो है दोस्तों बीच में से लिखावट जो गलत हो जाता है बीच में से काटते हैं उस तरीका से ये लिखा हुआ आएगा। देखिए स्ट्राइक लाइन देख पा रहे हैं दोस्तों, इस तरह से आपका कटा हुआ यहाँ पर आ जाएगा। तो उससे आप किसी सामने वाले को बता सकते हैं कि यहाँ पर ये लिखा हुआ गलत हो चुका है। तो इसका मैनुअली ऑप्शन कैसे है दोस्तों, यहाँ मैनुअली में क्या है, यहाँ पर से आप जाएंगे इसमें बटन, यहाँ पर स्ट्रिक लाइन करने के लिए दोस्तों मैनुअली आप यहाँ से ये जो देख रहे हैं दोस्तों आपको ये वाला प्रेस करना सामने में, उसके बाद भी यहाँ पर सेलेक्ट करके आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ भी आपको डालना है। तो जैसे डालेंगे यहाँ पर दोस्तों ये ऑटोमेटिक यहाँ पर स्ट्रिक लाइन हो जाएगा, लाइन आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर एक ये ऑप्शन था दोस्तों, और दूसरा ऑप्शन मैं बताता हूँ आपको। आप इसको वापस यहाँ प्रेस करके रखेंगे, आप इसको बीच में स्पेस देना दोस्तों आपको, तो मोनो स्पेस यहाँ पर आप जाकर दे सकते हैं। देखिए मोनो स्पेस यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए इस तरह से आपके सामने में स्पेस लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, किस तरह से आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसको स्ट्रेक लाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मोनो स्पेस भी दे सकते हैं, उसको चाहे तो आप दोस्तों यहाँ से शेयर भी आप कर सकते हैं। यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए शेयर का ऑप्शन दिया हुआ, यहाँ पर शेयर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप किसी और को भी शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ चुका होगा किस तरीका से आपने यहाँ पर ट्रांसलेट करना है, हिंदी लिख के आप उसको ट्रांसलेट करके आप देख सकते हैं।